एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्ट्रिंग भी है और वेज भी है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं वेज कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन फिलहाल इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड होकर मैंने बनाया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पूछा गया था फाइंड द एसरेशन ऑफ 2m ब्लॉक, इस 2m ब्लॉक का एसरेशन कितना होगा। तो अब इसको सॉल्व करना, तो जब भी लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि जितने ब्लॉक हैं सबसे पहले उसका एसेलरेशन एज्यूम कर लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने ब्लॉक हैं उनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फिर क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं उस डायरेक्शन में एफ बराबर एम ए लिखिए, उसके बाद क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ अनोन बढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, आंसर आ जाएगा, इतना ही करना होता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पहले एसेलरेशन एज्यूम करेंगे, तो इस ब्लॉक का एसेलरेशन ए1 इधर मान लिया, इस ब्लॉक का एसेलरेशन मैंने ए2 ऐसे मान लिया, और इसका सेंटर नीचे पर आ रहा हो तो एसेलरेशन मैंने अपने मन से ए3 मान लिया। मतलब ये ब्लॉक ए2 सीधा जा रहा है तो इसका सेंटर नीचे पर आ रहा होगा, और ये पूरा स्फीयर नीचे ही आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये दीवार फिक्स है ना, अगर ये दीवार नहीं भाग रहा है तो सेंटर और दीवार के बीच दूरी चेंज नहीं होगी, जब चेंज नहीं होगी तो पूरा स्फीयर नीचे पर आ रहा होगा, और ये नीचे आएगा तो इसका एसेलरेशन मैंने ऊपर को मान लिया, ऊपर को ए1 मान लिया। हालांकि ये नेसेसरी नहीं है कि आप ऊपर ही माने, अगर आप नीचे मानेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू अपने आप ही निगेटिव हो जाएगी, और निगेटिव आएगी तो समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन उल्टा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला काम हमने किया एसेलरेशन एज्यूम किया, इसके बाद दूसरा काम किया फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो इसे लिहाज बनाते हैं, इसका टेंशन टी लिखेगा तो इसका वेट एम जी दिखाएंगे, फिर ए टी तो एट बनेगा टू टी, ये टू टी तो ए टी तो ए टी तो क्या बनेगा टी बनेगा, ओके। चलिए इसकी एबीडी मैंने बनाया, इस पर बराबर एम लिखते हैं, इस पर बराबर एम क्या लिखोगे, टी माइनस एम जी बराबर एम इंटू ए वन, क्वेश्चन नंबर वन, टी माइनस एम जी बराबर एम इंटू वन, क्वेश्चन नंबर वन लिख लिया। अब इस स्फीयर की एबीडी बनाएंगे, इस स्फीयर की एबीडी, तो जब इस स्फीयर की आप एबीडी बनाओगे इस तरीके से, तो दीवाल इस तरीके से ना, दीवाल ऐसे है, तो टेंशन टी तो आप ऊपर पर दिखाओगे, टी आप ऊपर दिखाओगे, इसका वेट एम जी जो है आप डाउनवर्ड दिखाओगे, एम जी आप डाउनवर्ड दिखाओगे। नेक्स्ट इस दीवाल से नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो कि आप ऐसे दिखाओगे एन वन। नेक्स्ट इस इंक्लाइन से इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऐसे जो कि आप एन टू से रिप्रेजेंट करोगे, देखो यहाँ से टी ऊपर, यहाँ से एम जी, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, इस दीवाल से नॉर्मल रिएक्शन, आपने दिखा दिया। अच्छा ये एन टू वर्टिकल से जो एंगल बनाएगा वो 37 बनाएगा, कैसे भाई, ये इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा, इस इंक्लाइन का नॉर्मल वर्टिकल से वही एंगल बनाता है, तो अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प लिख के भी देखिएगा आंसर ये आएगा। अब इस ब्लॉक का एसेशन आपने किधर माना है, ए थ्री नीचे करवाना है, तो इस पर लिखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ बराबर एम, तो लिखेंगे आप एम जी माइनस टी माइनस एन टू ए वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, एन टू कॉस 37 डिग्री, एम जी माइनस टी माइनस एन टू कॉस 37 डिग्री बराबर एम इन टू ए थ्री, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस वाले स्फीयर पे हमें इक्वेशन लिख ली। अब बच गया वेज, वेज की एबीडी बनाएंगे, जब वेज की आप एबीडी बनाओगे इस तरीके से, वेज की एबीडी, तो जब आप कह रहे हो कि ये इस पे एन टू लगा रहा है, एन टू लगा रहा है, तो ये भी तो इसके ऊपर एन टू लगाएगा बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, तो आप ऐसे दिखाओगे एन टू, और एन टू का वर्टिकल सिंगल क्या होगा, 37 होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर ये 37 डिग्री है तो इसका नॉर्मल वर्टिकल से 37 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अच्छा इस पे वाई में फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ब्लॉक का एसेशन हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स इक्वेशन लिखिए, तो बनेगा एन टू साइन 37, एन टू का ये कंपोनेंट साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू, इस ब्लॉक का मास कितना है, तो 2m है, इंटू इस ब्लॉक का एसेशन कितना है, तो ए2 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आपने इस वाले ब्लॉक पे एफ बराबर एम ए लिखी, तो आपने इस ब्लॉक के मोशन की इक्वेशन लिख लिया, इस ब्लॉक का मोशन का इक्वेशन लिख लिया, इस ब्लॉक का मोशन की इक्वेशन लिख लिया, तीन इक्वेशन, बट कायदे देखिए पांच अनोन है, कैसे देखिए, एक टी अनोन है, टी अनोन है, ए वन अनोन है, एन टू अनोन है, ए टू अनोन है, और ए थ्री अनोन है, ए थ्री पांच अनोन हो गया, पांच अनोन बट तीन इक्वेशन, इसका मतलब दो ठो कांस्टेंट का रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट का दो रिलेशन बनेगा भी, एक तो बनेगा इसका एसेलरेशन और इसके एसेलरेशन में जो कि स्ट्रिंग कांस्टेंट से आएगा, और एक बनेगा इस ए टू और इस ए थ्री में जो कि वेज कांस्टेंट से आएगा। तो चलिए बात करते हैं, इसका एसेलरेशन ए वन है, इसका जीरो है, तो इसका कितना होगा, ए वन बाई टू हो जाएगा, पढ़े ना, ए वन बाई टू, ए वन प्लस जीरो का हाफ करेंगे तो इसका एसेलरेशन मिल गया, और इसका इसका बराबर होता है, और इसका जीरो है क्योंकि इसे फिक्स है, इसका जीरो है, और इसका कितना होगा, ए वन बाई टू होगा।
इसका अगर ए थ्री से नीचे आ रहा है, अगर इसका सेंटर ए थ्री से नीचे जा रहा है तो ये पुलिफिक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला तो ए थ्री से ऊपर जाएगा ना, तो अगर ये ए थ्री से ऊपर जाएगा तो ये ए थ्री से ऊपर जा रहा है जीरो, तो इसका क्या होगा, ए थ्री अपॉन टू होगा ना, क्योंकि दिस प्लस दिस का हाफ बराबर ही होता है। तो अगर इसका ए थ्री इसका जीरो, तो इसका सेक्शन क्या होगा, ए थ्री बाई टू ऊपर की ओर, और इसका मैंने इधर से प्रूफ किया है कि वो ए वन बाई टू है, ए वन बाई टू है। इसका मतलब कि एक बनेगा ए थ्री प्लस जीरो का हाफ बराबर इसका एक्सेलरेशन, मतलब ए वन अपॉन टू। तो ये प्रूफ करता है कि ए वन और ए थ्री आपस में बराबर होंगे। इक्वेशन नंबर फोर बन गया। तो आपने प्रूफ किया कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, और आपने प्रूफ किया कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और इस स्फीयर के सेंटर का एक्सेलरेशन सेम है। अब आपको इसमें इसमें रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, इसमें इसमें। तो वेज कांस्टेंट बनाएंगे तो वेज पे खड़ा होना पड़ेगा, तो आपने इस तरीके से वेज पे खड़ा होकर आप इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे वेज पे खड़ा हो गया, खड़ा होकर आप इस वेज पे खड़ा होकर आप सेंटर को देखेंगे, तो सेंटर को देखेंगे स्फीयर का सेंटर, तो सेंटर का सेक्शन किधर है, नीचे पर कितना है, ए थ्री, और तुम्हारा सेक्शन ए टू है ना, ये रिवर्स होकर आप ऐसे देंगे, तो ए थ्री को आप ऐसे दे दीजिए, ए थ्री को आप ऐसे दे दीजिए, दे दिया, ए थ्री नहीं है ए टू है, ए टू। आप वेज पे खड़े होंगे तो ए टू रिवर्स होकर ऐसे मिलेगा, ए टू ऐसे मिलेगा और ए थ्री ऐसे। अब इस पे खड़ा होने के बाद सेंटर और इंक्लाइन के सरफेस के बीच की चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। इसका मतलब सेंटर का एक्सेलरेशन इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर क्या आना चाहिए, जीरो। चलिए अब एंगल की बात करते हैं। ये एंगल अगर 37 डिग्री है, 37 डिग्री है, तो ये तो नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल का वर्टिकल एंगल, ये तो नॉर्मल है ना इस पे, तो अगर ये 37, तो ये एंगल क्या आएगा, दिस एंगल इज 37 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है इंक्लाइन पे, तो नॉर्मल वर्टिकल से वही एंगल बनाता है जो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से, तो एंगल 37 बन गया क्योंकि 37 है। ये पूरा 90 है तो ये क्या बनेगा, 53 डिग्री। और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जीरो कर दीजिए, तो ए टू का ये कंपोनेंट कितना बनेगा, ए टू कॉस 53 डिग्री इधर बनेगा, और ए थ्री का ये कंपोनेंट क्या बनेगा, माइनस ए थ्री कॉस ऑफ 37 डिग्री बराबर जीरो, इधर कंपोनेंट मैंने जीरो किया, ए टू का ये कंपोनेंट बराबर ए थ्री का ये कंपोनेंट कर दिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, 3a2, और यहाँ से क्या आएगा, 4a3। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो देखिए आपके सामने इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांच इक्वेशन है, पांच अनोन सॉल्व करेंगे तो इसका भी एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था, और इसको सॉल्व करने का हमने आपको तरीके बताए। सबसे पहले इसका आप एक्सेलरेशन एज्यूम किए करिए, इसका एज्यूम करिए, इसका एज्यूम करिए, इस पे लिखिए f बराबर m, इस पे लिखिए f बराबर m, इस पे लिखिए f बराबर m। इसके बाद कॉन्स्टेंट के लिए, तो आप स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स का आपने हेल्प लिया तो ये इक्वेशन बना, वेज कॉन्स्टेंट का हेल्प लिया तो आपको ये इक्वेशन बना। वेज कॉन्स्टेंट के लिए आप वेज पे खड़े हो गए, ओके, और यहाँ पे आपने बनाया, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जीरो कर दिया। तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन ऑफ लॉज ऑफ मोशन।